नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज फिनसर्व कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बजाज का जो EMI कार्ड होता है उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो दोस्तों अपनी मार्केट से EMI पर शॉपिंग करते हैं। जैसे दोस्तों TV खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो दोस्तों वो बजाज से जब किस्त बनवाते हैं अपनी, तो उनका दोस्तों एक EMI कार्ड बन जाता है, जिसका दोस्तों उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कोई बजाज का EMI कार्ड है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका बजाज का कोई कार्ड है या नहीं। क्योंकि दोस्तों आजकल दोस्तों जो कार्ड होते हैं बजाज के, वो हमें फिजिकल नहीं मिलते डेबिट कार्ड की तरह, वो आपको मिलते हैं डिजिटल कार्ड, जो दोस्तों आपको आपके मोबाइल में शो होते हैं। तो दोस्तों कैसे आप अपना बजाज का EMI कार्ड जो होता है दोस्तों, उसे चेक कर सकते हो कि आपका बजाज का EMI कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा प्रोसेस कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको बजाज कार्ड है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में धन्यवाद, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, मेरे फ़ोन में डाउनलोड है एप्लीकेशन, लेकिन मैं आपको प्ले स्टोर में आकर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है बजाज फिनसर्व ऐप। तो दोस्तों आप बजाज नाम से कोई एप्लीकेशन ऐसे देखोगे तो दोस्तों देखिए आपके फ़ोन में यहाँ पर एक एप्लीकेशन शो होगी बजाज फिनसर्व वॉलेट EMI कार्ड नाम से। तो दोस्तों मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है, तो चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ। आपको इसे डाउनलोड करना है और मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे में ये पहले से दोस्तों इंस्टॉल है। तो दोस्तों जब आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल में आने वाला है। बट दोस्तों आपके फ़ोन में इंटरफेस तब आएगा जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप अपने उस रजिस्टर मोबाइल नंबर से, जिससे दोस्तों आपने EMI कार्ड पर कुछ खरीदा है, जो दोस्तों जिस बैंक से आपके पैसे कटते हैं और उस बैंक में जो नंबर लगा हुआ था आपका मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर से दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। क्योंकि दोस्तों मेरे में लॉगिन है पहले से, इसलिए इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। बट दोस्तों आपको उसी नंबर से यहाँ पर लॉगिन करना है। जब आप उससे लॉगिन करोगे तो दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा, जिसमें दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे बजाज की तरफ से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर एक दिख रहा होगा ये बॉक्स सा EMI लगा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर साफ शो हो जाएगा आपका बजाज कार्ड, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा बजाज कार्ड है ये दोस्तों इस तारीख को लॉन्च इसको अप्लाई हुआ था और 2029 तक चलने वाला है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जियो बॉक्स है बजाज कार्ड वाला EMI वाला, ये दोस्तों तभी यहाँ पे आता है जब आपका बजाज कार्ड कंपनी की तरफ से बना हुआ होगा। नहीं तो दोस्तों आपके फ़ोन में इस तरह की इंटरफेस तो आएगा इस एप्लीकेशन में अगर आपका बजाज कार्ड नहीं होगा फिर भी, बट जो बॉक्स है यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये तभी आता है जब आपका बजाज कार्ड कंपनी की तरफ से बना हुआ होता है। तो आप दोस्तों इस तरीके से पता लगा सकते हो कि कैसे आप अपना बजाज कार्ड यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर दोस्तों जब आप शॉपिंग करोगे तो ऑनलाइन तो आपको ये नंबर डालना होता है वहाँ पे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन पे, तो आप इस नंबर को कैसे पूरा देख सकते हो। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको व्यू कार्ड नंबर पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दोस्तों ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म में डाला हुआ होगा, तो आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बजाज कार्ड के जितने नंबर हैं यहाँ सब शो हो गए। तो आप इस तरीके से अपना बजाज कार्ड देख सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपना बजाज कार्ड चेक कर सकते हो कि आपका कोई बजाज कार्ड है या फिर नहीं। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जियो बजाज कार्ड दोस्तों ये तभी शो होगा, तभी बनेगा जब आपने कोई अपनी मार्केट से EMI पर शॉपिंग की होगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई EMI पर शॉपिंग की है, कोई चीज़ आपने EMI पर खरीदी है और दोस्तों उसकी दोस्तों जो किस्त है वो उस शॉपकीपर ने बजाज कंपनी से बनाई है, तब दोस्तों आपको बजाज कार्ड बनेगा। नहीं तो दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनकी दोस्तों जो दोस्तों अपनी मार्केट से शॉपिंग करते हैं EMI पर, बट दोस्तों उनकी दोस्तों जो किस्त होती हैं वो होम क्रेडिट या फिर किसी और कंपनी के थ्रू बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका बजाज कार्ड नहीं बनेगा, ना ही दोस्तों इस एप्लीकेशन में शो होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल लगूँ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।